श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ में पहली बार कंप्यूटर नेविगेशन मशीन द्वारा घुटने एवं कूल्हे की जोड़ प्रत्यारोपण एवं ब्रेन स्पाइन सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी, एडवांस ट्रॉमा केयर, शिशु रोग, स्त्री रोग, मूत्र रोग, दंत रोग, नाक कान एवं गले के रोगों का संपूर्ण उपचार, क्रिटिकल केयर, फिजियोथेरेपी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस यूनिट, बर्न यूनिट, स्ट्रोक यूनिट, पेन क्लिनिक, सिटी स्कैन, एक्सरे एवं मॉडर्न पैथोलॉजी, कटे फटे होंठ एवं तालू की निशुल्क सर्जरी, आपातकालीन दुर्घटना चिकित्सा सेवा के अंतर्गत 24 घंटे निशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा, श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, हर एक जीवन अनमोल। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। बलरामपुर जिले में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगातार पेट्रोल और डीजल की बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है। पेट्रोल और डीजल के दामों पर विरोध के स्वर अब उठने लगे हैं। छत्तीसगढ़ के साथ साथ बलरामपुर जिले में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़े हुए दामों पर केंद्र सरकार का विरोध किया है, साथ ही साथ दाम कम करने की मांग की है। सामरी के पूर्व विधायक माहेश्वर पैकरा ने कहा कि भाजपा के लोग कांग्रेस के समय में महंगाई को डायन का नाम देते थे, लेकिन आज की महंगाई भाजपा वालों की फौजाई बन गई है। उस समय यूपीए गवर्नमेंट में 55 और 65 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल बिकती थी, तो इन लोग जैसे पूरा पहाड़ उठा लिए इस टाइप का धरना प्रदर्शन करते थे। आज अगर उनका ये बाइट मिले तो उसी बाइट को हम लोगों को सुनाना चाहते हैं कि उस समय जो महंगाई थी, डायन थी उनके भाषा में, और आज की महंगाई भाजपा वालों की फौजाई बन गई है। दिया करते थे कि कांग्रेस सरकार में इतनी महंगाई डीजल पेट्रोल गैस की बढ़ गई, और ये आज एक तो कोरोना के मार पूरा देश झेल रहा है, उसमें अपना ये निर्धरता का सबसे बड़ा कठोरता का परिचायक दे रहे हैं कि डीजल के दाम और पेट्रोल के दाम 80 और 82 रुपया हो गया। आज किसान खेती किसानी करने का दिन है, वो डीजल पेट्रोल के लिए अपना महंगाई से बेचारे तड़प रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री शायद मुझे लगता है कि देश में कभी दोबारा मिला है और न मिलेगा भी नहीं। जो कि किस कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी सर 2014 में, मोदी जी, जेटली जी और मैं स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहता हूँ कि वो मोदी जी को कंगन और चूड़ी कब भेजने वाली हैं। मनमोहन सिंह जी को तो चूड़ी और कंगन भेजा करती थी जब केंद्र में पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा करते थे, तो आज मोदी जी को भी उनको भेजना चाहिए।